क्योंकि बच्चा माँ होती है। हम अपने घर से स्टार्ट में अपने बच्चों को देखें वो क्या करते हैं, कि लोगों को उठते बैठते हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं। हम जितने भी मसरूफ हो अपनी वर्किंग का, आप जितना टाइम करते हो अपने बच्चों को अकाउंट करके सोशल मीडिया पे क्या आपके फ्रेंड्स हैं क्या है, हर चीज पर नजर रखनी चाहिए। उस्ताद का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बिल्कुल ठीक है। स्कूलों में ट्रेनिंग चाहिए, बच्चों पर लेक्चर होने चाहिए, सेमिनार अच्छा हुआ है, इन चीजों को बढ़वाना चाहिए। और अभी हमारे आईटी साहब एडी फाजिल साहब ने जो गुटका मामा पे पाबंदी लगाई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह के आगे भी जो हमारे ऑफिसर तैनात हैं उनको ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि इस पर बिल्कुल सख्ती से पाबंदी लगा देनी चाहिए, इस पर फाइन होना चाहिए। और जब भी कोई आपके गली या इलाके में इतने लोग लड़के ग्रुप्स में बैठे होते हैं तो आपको देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, आपकी गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, वो गलत चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, ये जो हीरोइन है ये ड्रग्स है ये यूज करते हैं। आपकी गली मोहल्ले के लड़के ही होते हैं जो, और फिर आपके बच्चे उनके साथ खेलते हैं, आप उनको देखते हैं मैदानों में ग्राउंड में पार्क में ऐसा हो रहा होता है, खुलेआम मिलती है, पता नहीं कैसे लोग बेच रहे होते हैं। उनको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होती, कोई ये सोचते कि आज हम किसी और के बच्चों को खराब कर रहे हैं, कल हमारा बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और उसके बाद अगर वो बहुत ज्यादा लतक जाती है तो उसकी मंजिल मौत है। देखिए ना, डॉक्टर अगर इलाज करता है बहुत ज्यादा सीरियस हालत होती है तो आगे में वो मर जाता है। ये हमारे लिए बहुत सीरियस चीजें हैं, इस पर हमें बहुत ज्यादा नजरसानी करनी चाहिए, अपने बच्चों को बहुत देखना चाहिए और हर बच्चे को देखना चाहिए। हमारे माशी का हर बच्चा हमारा बच्चा है। और मैं तो ये कहूँगी टीचर क्लास में इसके बच्चों को लेक्चर दिया करें, समझाया करें, और वालिद को चाहिए कि वो खुद कोई सी स्मोकिंग ना करें, गुटखा या पान ये सब ना खाएं, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने फादर को देखता है और वो फादर उसका रोल मॉडल होते हैं। बेटी के लिए माँ रोल मॉडल होती है और बेटे के लिए फादर रोल मॉडल। जब बाप कोई चीज करेगा तो बच्चा भी करेगा, अगर आप खुद उस चीज को नहीं रोकेंगे तो बच्चा भी कहेगा डैडी आपको ये करते हैं तो मुझे क्यों रोक रहे हैं, या वो दिल में तो ये सवाल कर ही लेगा कि यार पापा तो खुद ये कर रहे हैं और मुझे मना कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने घर से स्टार्ट दें, अपने आप से खुद से स्टार्ट दें, अपने महल्ले से स्टार्ट दें, अपने शहर से स्टार्ट दें, आप इस मिशन को जारी रखें और इस तरह के सेमिनार होते रहना चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि माएं अपने बच्चों को जितना टाइम करते हो, जो वर्किंग वुमेन है वो बिल्कुल चार आंखें रखें कि मेरा बच्चा किन लोगों में उठता बैठता है, सोशल मीडिया पे किससे बात करता है, किसके टच में है, ये अलर्ट रहना चाहिए। आजकल जो है बड़ी सहूलतें हैं, दोस्त बनाने की बड़ी सहूलतें आ गई हैं। पहले तो हम सोचते थे कि फोन पे कैसे रब्ता करें, पहले तो मोबाइल फोन ही नहीं होते थे, अब तो मोबाइल फोन है, अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें टच में रहने के लिए। एक सेकंड में आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी आपके बच्चे को किसी वक्त भी खराब कर सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल अलर्ट रहें। और मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क और शहर से ये जितने भी बुरी चीजें हैं, ड्रग्स, शीशा और ये जितनी भी चीजें, और आगे एडवांस होता जाएगा, जैसे उन्होंने कहा कि सुरमा आ जाएगा और जो भी आ रही है चीजें लोशन के तौर पर आ रहे हैं नशा, तो ये सब खत्म हो जाना चाहिए। ये तबाही है, ये हमारे माशरे की तबाही है। और ये हमारे जो बाहर मुल्क, जो हमारे मुल्क दुश्मन है, वही इस मुल्क में दाखिल करते हैं, ये स्मगलिंग के तौर पर हमारे मुल्क में आते हैं हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए। तो इस पर बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और इस तरह से हमारी नस्लें, जब हमारे अगर 20% जनरेशन खराब हो जाती है तो उसमें हमारी आगे तरक्की रुकती है, हमारी जनरेशन खराब होगी तो हमें नुकसान है, हमारे मुल्क को नुकसान है, हमारे मार्शियत को नुकसान है, सबको नुकसान है। और सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा खराब होता है तो माँ बाप को नुकसान है, वो पेरेंट्स सारी जिंदगी रोते हैं। और एक बच्चा एक दफा किसी बुरे लत में लग जाता है तो उसको सुधारना बड़ी मुश्किल, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। तो सुधारा पहले दिन से ही अपने बच्चे को माफ करें, उनके टीचर्स को बोले कि भाई आप स्कूल में देखें कि फ्रेंड्स कौन थे, किन लोगों में उठे बैठते, सबसे ज्यादा सोबत का असर होता है, उनकी सोबत अच्छी होगी तो बच्चा अच्छा होगा। आप उनके फ्रेंड्स को जरूर चेक करें। और बस ये दुआ करूंगी अल्लाह ताला इन चीजों से हमारे मुल्क को, हमारे बच्चों को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो क्यों ना आज एहतियात कर ली जाए ताकि कल इलाज की नौबत ही ना आए। अब मैं बताना चाहूंगी डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जमीर।